दोस्तों, चाहे आपको नदी के वेग के समान नकशीर आपको दिन में 4 बार 5 बार जितनी बार भी नकशीर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या आपको कभी कभी ये समस्या होती है, तो आज एक ऐसा उपाय, रामबाण उपाय, पक्का इलाज, जड़ से ठीक करने वाला इलाज, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने 2 से 3 दिन ये इलाज मेरा बताया हुआ ये नुस्खा अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो जिंदगी में कभी नकशीर नहीं आएगी, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। और ये उपाय छोटे बच्चे से लेके मिडल एज के और बूढ़े व्यक्ति, यानी किसी भी एज का व्यक्ति इस उपाय को इस्तेमाल कर सकता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है और किसी भी तरह का हार्म ये नहीं पहुंचाएगा बॉडी के अंदर जाके। इतना सस्ता और इतना जबरदस्त रिजल्ट वाला ये उपाय मैं देने वाला हूं। इसमें बड़ों को ये उपाय कैसे लेना है और बच्चों को ये उपाय कैसे देना है, ये सारी की सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी स्टेप को स्किप ना करें, एक भी स्टेप को आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिस कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, यहां से मैं आपको एक एक चीज स्टेप में भी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जो लोग नकशीर की समस्या से परेशान है उनके लिए बहुत ही रामबाण ये उपाय मैं देने जा रहा हूं। आपने सिर्फ 2 चीजें लेनी है, 2 से 3 चीजें यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वो चीजें आप अरेंज करें और जिस तरीके से उपाय मैं आपको बनाना बताऊंगा उस तरीके से आपने बनाना है और इसका इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे ये चीजें नोट भी कर सकते हैं, भविष्य में कभी किसी के साथ आपको ये शेयर करना हो या फिर आप इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि बाद में वीडियो देखने के बाद आप ये सब चीज भूल जाते हो, ना आप लाइक करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो इसलिए इस चीजें कोई पैसे नहीं लग रहे, सारी चीजें फ्री में है, तो पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटे का नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा लें, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट, ताजा अपडेट आपको आगे फ्यूचर में हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये नुस्खा बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें लेनी है, एक आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है और एक मिट्टी का आपने कुल्हड़ ले लेना है, मिट्टी का जो छोटा सा कुल्हड़ आता है ना, बर्तन छोटा सा, कुल्हड़ी जिसको बोलते हैं, आपने दोनों चीजें लेनी। ये उपाय आपने शाम के टाइम बना के रेडी करके रख देना और इसका इस्तेमाल करना सुबह के टाइम पे। कैसे करना है जरा ध्यान से आप ये चीज सुन लीजिए, 20 से 25 ग्राम मुल्तानी मिट्टी आपने लेनी है, उसको अच्छे से बारीक पीस के पाउडर के रूप में आपने बना के तैयार कर लेना। जब उसका पाउडर बन जाए, यानी कि आटे की तरह वो बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में एकदम बना के जब आप रेडी कर लो, उसके बाद आपने जो मिट्टी का जो बर्तन आप लेके आए हो, मिट्टी के बर्तन में 250 से 300 ml पानी आपने लेना है, उस मिट्टी के बर्तन में यानी कुल्हड़ी में आपने डाल देना है। उसके बाद जो मुल्तानी मिट्टी का पीस के आपने पाउडर बनाया है, वो मुल्तानी मिट्टी उस कुल्हड़ के पानी के अंदर आप डिप करें और उसको अच्छे से हिला दें। हिलाने के बाद में आप उसको रात को रख दें, यानी कि ये उपाय आपको सोने से पहले बना के रख देना है। अब इसका उपाय का इस्तेमाल, यानी कि इसका जो सेवन करना है वो सुबह के टाइम पे करना है। देखिए दोस्तों, जब आप सुबह उठेंगे, उठने के बाद में अपने सोच आदि कार्यों से निवृत्त होने यानी कि निपटने के बाद में आपको इसका सेवन करना है। सेवन करने का तरीका ये है कि जो भी आपने मटेरियल बना के रेडी करके आपने शाम को ढक के रख दिया था, उसके बाद सुबह उसको हिलाना नहीं है, अगर हिलाएंगे तो सारा पूरा दोनों की दोनों पानी और मुल्तानी मिट्टी फिर से मिक्स हो जाएगा, तो आपका नुस्खा बन नहीं पाएगा, ना ही आप उसको ले पाओगे। तो सुबह के टाइम पे उठने के बाद जो मुल्तानी मिट्टी होगी, वो मुल्तानी मिट्टी जमीन यानी कि उसके तली में बैठ चुकी होगी और जो उसका पानी होगा वो ऊपर में, यानी कि नितरा हुआ पानी जिसको बोलते हैं, वो ऊपर में पानी पानी रहेगा। तो आपने किसी दूसरे बर्तन में धीरे धीरे उसको बिना ज्यादा हिलाए डुलाए उस पानी को नितार के दूसरे बर्तन में आपने डाल लेना है। अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं, मुल्तानी मिट्टी का रात का भिगोया हुआ और सुबह के टाइम पे जो नितरा हुआ पानी है, उस पानी को आपने दूसरे बर्तन में आपने डाल लेना है और उस पानी का आपने सुबह खाली पेट आपने सेवन करना है। पहले तो एक ही दिन में आपकी बीमारी कट जाएगी, लेकिन आपने 2 से 3 दिन करना है। जिनको पुरानी, सालों पुरानी प्रॉब्लम है, 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी या 10 साल पुरानी ये प्रॉब्लम है, दोस्तों ये एक रामबाण इलाज है। रामबाण इस रोग को जड़ से खत्म करने का ये काम करता है, यानी कि परमानेंट खत्म करता है। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको जैसे मैंने बताया वैसे करिए, ठीक ऐसे ही दूसरे दिन आपने इसका सेवन करना है, ठीक ऐसे ही तीसरे दिन आपने सेवन करना है, 3 दिन से ज्यादा आपने इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 3 दिन में आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी नकशीर की प्रॉब्लम है,
वो जड़ से खत्म हो चुकी होगी, तो आपको दवाई उसके बाद ये पानी लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बच्चों को कैसे देना है। देखिए बच्चों को जो देना है सेम प्रोसेस से आपने ये फॉर्मूला तैयार करना है। सुबह के टाइम पे जो पानी आप नितार के यानी तरह हुआ पानी जब आप दूसरे बर्तन में डालेंगे, उसके बाद पानी की क्वांटिटी जितनी भी है, पानी की क्वांटिटी अगर 250 ml जैसे आपने रात में लिया था, तो 200 ml अगर पानी की क्वांटिटी आपको मिलती है तो 200 ml का हाफ यानी कि जितना भी पानी आप उसके मुल्तानी मिट्टी के ऊपर से जैसे उतारेंगे नितरा हुआ पानी जितना भी आप उतारेंगे उसका हाफ क्वांटिटी आपने लेना है। हाफ क्वांटिटी के अंदर 2 से 3 ग्राम या 5 ग्राम तक धागे वाली मिश्री या फिर एक बतासा मीडियम साइज का आपने पीस के कूट के उसके अंदर मिक्स करके और वो बच्चे को पिला देना। अगर 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आपको इस तरीके से करना है, और 10 साल से अगर बड़ा यानी कि 10 से 12 साल से अगर बड़ा है तो आपने वही वाला प्रयोग करना है जो मैंने पहले बताया था। दोस्तों सालों पुरानी नक्सीर की समस्या, जिनकी नदी के वेग के समान नक्सीर बहती है, जिसकी वजह से कितनी सारी समस्या, जिनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, दिमाग बिल्कुल कमजोर अवस्था में काम कर रहा है, जिनका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया है, जिनको कुछ समझ ही नहीं आता, जिनकी स्मरण शक्ति बहुत वीक हो चुकी है नक्सीर आने की वजह से, तो सारी की सारी चीजें 3 दिन में, मात्र 3 दिन में आपकी हमेशा के लिए दूर होंगी और बुढ़ापे तक आपको नक्सीर कभी जिंदगी में आएगी नहीं। इतना असरकारक और इतना ज्यादा अच्छा बेस्ट रिजल्ट देने वाला ये उपाय मैंने आपको दे दिया, तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।